ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਾ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਗੂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਲਿਮਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ पाना सिद्धू पटियाला तो बाद हुण मोहाली पुलिस ने किया गिरफ्तार जेल तो प्रोडक्शन वारंट ते लियांदा इमीग्रेशन कंपनी के संचालक नूं धमकाउण दा है इल्जाम अजीडी अगे पेश होणगे बीजेपी आगू अरविंद खन्ना दिल्ली च होणगे सवाल जवाब ब्राजील की कंपनी नाल जहाज सौदे च करप्शन दे रहे इल्जाम पंजाब च वड्डा प्रशासनिक फेरबदल 6 जिलों के बदले गए डीसी शौकत अहमद पटियाला हरप्रीत सिंह सूदन मुड़ मुक्तसर साहब का जिम्मा अज हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग बजट इजलास दी तरीकों से लग सकती है मोहर बजट कई वड्डे ऐलान करन दी तैयारी च मनोहर सरकार पंजाब च ठंड तो नहीं मिलेगी राहत मौसम विभाग के वलों 4 फरवरी तक मीह का अलर्ट जारी उत्तर भारत के कई इलाकों अज फिर छाई संघनी धुंध फैमिली पेंशन से केंद्र सरकार का वड्डा फैसला महिला कर्मचारी पति की थां बच्चियों नूं कर सकणगियां नॉमीनेट केंद्र ने सिविल सेवावां पेंशन निजम 2021 च कीती तब्दील सत श्रीकाल जी मैं हाँ सरबजोत कौर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली खबर तो दस दें कि अज 30 जनवरी है ते अज चंडीगढ़ नू नवा मेयर मिलन जा रहा है ते इंडिया गठजोड़ इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इनकलूसिव अलायंस का वड्डा इम्तिहान है कह सकते हैं कि वड्डा टेस्ट है पहला टेस्ट है आप ते कांग्रेस मिलके मेयर की चोन लड़ रहे हैं अज 30 जनवरी नू चंडीगढ़ नू नवा मेयर मिलेगा दस के नंबर गेम च आप ते कांग्रेस का पलड़ा भारी है 10 बजे आ मेयर की चोन वोटिंग प्रक्रिया शुरू होएगी इसके विचाले दस दें कि चंडीगढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं 700 तो ज्यादा मुलाजम की तैनाती की गई इस विचाले पहली बार हाउस के अंदर मीडिया की एंट्री भी नहीं होएगी हाईकोर्ट वालों निर्देश दिए गए 10 से 18 जनवरी मुलतवी हुई थी चोन से हाईकोर्ट के आदेशों तो बाद अज जो है चोन मुड़ तो हो जा रही है आज जो इंडिया गठजोड़ की पहली पिक्चर सू चंडीगढ़ देखने मिलेगी जिसके आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के काउंसलर मिलके मेयर की चोन लड़ रहे हैं इस विचाले सहमति बनी सी कि आम आदमी पार्टी के वलों जो है मेयर होएगा तो इस विचाले जो है डेप्टी मेयर ते सीनियर डेप्टी मेयर कांग्रेस के होंगे इस विचाले अज चंडीगढ़ नू नवा मेयर मिलन जा रहा है तो बिना मेरे सहयोगी लाइव मनोज राठी मौजूद ने मनोज इंडिया गठजोड़ का अज पहला टेस्ट चंडीगढ़ हो जा रहा है किसका पलड़ा भारी किसका नहीं हालांकि जो साफ पिक्चर है क्लीयर पिक्चर रिजल्ट तो बाद ही क्लीयर होगी देखो बिल्कुल सर जो जिदा तुसी भी जानकारी दी कि आज बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है हालांकि पिछले दिन असीं देखिया एपीसोड कि किस तरह हंगामा होया पोस्टपोन होया लेकिन आज हाईकोर्ट के ऑर्डर्स तो बाद आज पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए ने ते आज तस्वीर पहला तो दिखा दिए कि किस तरह की तस्वीर ने पूरी बैरीकेटिंग की हुई है नगर निगम के बिल्कुल बाहर की तस्वीर ने जिथे पूरी बैरीकेटिंग अंदर किसी ने भी परमिशन पहली गल नहीं दी गई है मीडिया भी एंट्री की हजे तक परमिशन की गल नहीं की गई है सिर्फ जिडे अंदर के इंपलॉयज ने उन्होंने आई कार्ड देख के ही अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी दूजा एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सिज लाई गई है 700 तो भी वध एसएसपी वालों जानकारी दी गई सी कल के चंडीगढ़ पुलिस के नाल नाल एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सिज भी लाई गई है एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सिज इतने पहुंच चुकी है सारे ब्रीफ किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर नूं खराब नहीं होने दिता जाएगा बहुत ही क्लीयर कर दिया गया सी कल एसएसपी वालों दूजा जिन्ना भी आवाजाही है इस रोड से बंद कर दी गई है अज वास्ते बैरीकेटिंग ला दिए गए ने इत्थे कोई आवाजाही अज नहीं होगी लॉ एंड ऑर्डर का खास तौर पर ध्यान रखा गया है उस तो बाद ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13 ਕਾਂਗਰਸ 7 ਬੀਜੇਪੀ 14 ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਵੋਟ ਡਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 35 ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੱਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 13 ਪਲੱਸ 7 ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੱਸ 7 ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੋਏ 20 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 14 ਪਲੱਸ 1 ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 15
देखो जेकर असी गल करिए जेकर क्रॉस वोटिंग नहीं होंगी क्रॉस वोटिंग या फिर कोई डैमेज नहीं होंगी है वोट तो सीधा सीधा तौर पर अलायंस की जीत है यानी क्योंकि उन्होंने भी वोट्स ने दूजे पासे बीजेपी ते हालांकि अकाली दल हुण किस नूं वोट पाते हैं या फिर क्रॉस वोट होंगी है या डैमेज कोई वोट होंगी है तो कितने ना कितने क्योंकि मेजोरिटी उन्नी चाहिए है यानी कि जेकर कोई क्रॉस वोट होंगी है या डैमेज होंगी है तो कितने ना कितने बीजेपी नूं फायदा इहदा पहुंच सकता है लेकिन हजे तक फिलहाल दावा करती नजर आ रही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साडी जित पक्की है। दूजे पासे बीजेपी वालों भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साडा ही मेयर बनूगा साडा ही सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर साडा ही बनूगा लेकिन दूजे पासे जे असीं गल करिए अज बहुत ही इत्थे सख्ती कीती गई है कि कोई भी सपोर्टर होवे कोई भी किसी तरह का कोई लीडर या किसी भी पार्टी का कोई भी पार्टी होगी चाहे वह बीजेपी हो चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वह आम आदमी पार्टी के होन उन्होंने एंटर नहीं होने दिता जाएगा। पंजाब पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी मुलाजिम हो भी उसनों भी एंट्री नहीं दी गई है वह बड़ा क्लीयर कर दिता गया सीगा पुलिस वालों कल भी इतने मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के लैवल की मीटिंग हुई है जिसके करके हूँ तस्वीर तुम वेखो एक तस्वीर तुम्हें दिखा देंगे एक होर क्योंकि सख्ती भी असं गल कर लिए क्योंकि इतने पूरा बैरीकेटिंग ला दिए गए ने होर भी इतने पूरा होर भी इतने रस्से पा के पूरा इनू बंद करने की तैयारी है क्यों यानी कि असी पहला भी जानकारी दी थी कि किसी भी तरह की अंदर एंटर नहीं होने दिता जाएगा यह बहुत क्लीयर है। और अज का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है सरबजोत क्योंकि हुण देखो फर्स्ट अलायंस है जिदा तुसी भी जिक्र किया कल भी अरविंद केजरीवाल वालों जानकारी दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच कि अज चंडीगढ़ दे विच बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है जिसनों लैके देखना होगा लेकिन दूजे पासे बहुत ही दिलचस्प यानी कह सकते इंटरेस्टिंग अज सारे काउंसलर यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के काउंसलर अज रोपड़ तो किकर रिजोर्ट दे ने उत्थे ने उत्थों सीधा लैके इधर आएंगे लेकिन दूजे पासे चंडीगढ़ पुलिस भी पूरी तैयार है। चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ब्रीफ करते नजर आ रहे कुछ ही देर तक इतने SSP चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने सारियां अपनी अपनी ड्यूटी देने तो बाद हुण सारियां नूं इह पूरी ड्यूटियां लाणगे यानी कि पूरा जिन्ना भी नगर निगम का एरिया है बाहर का अंदर का पूरा इनू सील कर दिता जा रहा है। हुण तस्वीरां तुसीं वेखो इह तस्वीरां ने चंडीगढ़ पुलिस की ड्यूटी हुण लग रही है पूरा बैरीकेटिंग ला के अगे भी बैक साइड ते भी बैक साइड ते अगे दोनों साइड यह पुलिस की पूरी हुण तैनाती रहने वाली है पूरा दिन किसी नूं भी अंदर एंटर नहीं होने दिता जाएगा यह बहुत ही क्लीयर है। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो कि चंडीगढ़ पुलिस की तस्वीरां है और पूरी तैनाती इन्हां दी कर दित्ती गई है यानी कि हुण प्रबंध जो ने ओह कीते गए ने 10 बजे चंडीगढ़ मेयर की जो इलेक्शन है चोन है उसकी प्रक्रिया शुरू होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तुसी साडे नाल जुड़े रहो अगली खबर तक तुहाडे तों अपडेट लवांगे ते पहली बार हाउस के अंदर मीडिया की भी एंट्री नहीं की गई 10 बजे चोन प्रक्रिया शुरू होएगी हालांकि वीडियोग्राफी इस पूरी चोन प्रक्रिया की की जाएगी। आम आदमी पार्टी के वालों कांग्रेस के हालांकि जो नंबर ने वो पूरे ने पर रिजल्ट आने तो बाद ही पिक्चर क्लीयर होएगी कि मेयर के अहदे ते कि पार्टी का मेयर काबज होगा। अगे वधांगे ते गल करांगे मौसम दी पंजाब च फिर बदलेगा मौसम दा मिजाज अज तो 4 फरवरी तक मीह पैण दी संभावना मौसम विभाग दे वल्लों वैदर डिपार्टमेंट दे वल्लों जारी कीती गई दस्सदे पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च मीह दा अलर्ट मौसम विभाग दे वल्लों जारी कीता गया। हिमाचल च बारिश दे नाल बर्फबारी भी चेतावनी दी गई है दस्सदे कि IMD दे वल्लों येलो अलर्ट जारी कीता गया हालांकि सड़कां ते दस्सदे कि छाई है संघनी धुंध दी चिट्टी चादर विजिबिलिटी घटण दे कारण वाहनों की जो रफ्तार है वो भी रुकी हुई विजिबिलिटी 0 तो लेके 10 मिनट तक दर्ज जो है वो की गई है। कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया च पूरे उत्तरी भारत इसे विचाले ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हुण मौसम विभाग के वालों येलो अलर्ट जारी किया गया है मीह पैण की संभावना जो है जाहिर की गई है। इस विचाले सवेर के वेले विजिबिलिटी काफ़ी घट हुई है राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। इस विचाले जे गल करिए तो किसान काफ़ी खुश ने धुंध के करके क्योंकि किसानों के जो चेहरे खिड़े हुए ने जो कणक की फसल है उस लई आ जो धुंध होंगी है कोहरा होंदा है आ लाहेवंद साबित होंदा है। पंजाब फिर मौसम का मिजाज कितना कितने बदलेगा हाल ही अभी गल करिए 2 तो 3 दिन हो गए ने जो धुप खिड़ती है इस विचाले जो टेंपरेचर है उस वाधा इजाफा दर्ज किया गया है पर आने वाले दिनों आज जो ठंड है एक बार मुड़ तो सता सकती है। आज तो लेके 4 फरवरी तक मीह पैण की संभावना दर्ज की गई है अलर्ट जारी किया गया पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ च मीह का अलर्ट जारी किया गया जबकि हिमाचल च भी बारिश के नाल बर्फबारी स्नोफॉल की चेतावनी मौसम विभाग के वालों
दिती गई है। इस विचाले आईएमडी दे वलो येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मेरा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने, मनोज शर्मा पटियाला तो लाइव जुड़े हुए ने, मनोज राठी चंडीगढ़ तो लाइव जुड़े हुए ने। सब तो पहला मैं रुक करांगी मनोज शर्मा दा, पटियाला तो मेरा मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। मनोज जानना चाहवांगे पटियाला दा की कुछ टेंपरेचर दर्ज किया गया है ते मौसम विभाग दे वलो अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों च मीह पैण दी संभावना है ते आजो ठंड है इस तो निजात मिलन वाली नहीं है। जी बिल्कुल सरबजोत, जे रात की गल करिए 12 घंटे जो पटियाला का तापमान है वह 7 तो लैके 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। कल थोड़ा समय के लिए बेशक धुप निकली सी, लोगों को राहत मिली सी, परसों भी धुप निकली, पर रात तो बाद लगातार धुंद पै रही है, कोहरा पै रहा है। तो तुम देखो कि जी विजिबिलिटी है थोड़ी दूर से जाके ही खत्म हो जाती है। सो धुंद का जोड़ा आप कह सकते प्रकोप है एक बार फिर लोगों झलना पै रहा है। ये जो नैशनल हाईवे है पटियाला चंडीगढ़ राजपुरे में जाता है उत्थे तुसी देखो कि विजिबिलिटी बहुत घट है तो धुंध का असर है। दूजे पासे जे मौसम विभाग की गल करिए सरबजोत, तो यह जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों के बारिश हो सकती है तो जो बारिश होगी फिर जी धुंद है कोहरा वह हट जूगा तो लोगों उस तो बाद राहत मिलनी शुरू होगी। यानी कि जे 4-5 दिन की असी गल करिए वीरवार शुक्रवार तो बाद धुप निकलूगी तो तापमान वधूगा, पर जिस तरह आप कहने कि कई बार जोड़े मौसम दयास रईया ने वह भी गलत साबित होंदिया ने। पहला दसया गया कि पटियाला का जोड़ा आले दुआले का खिता वो लगातार धुप निकलूगी, पर तुम देखो कि देर रात तो ही सरबजोत लगातार धुंध पै रही है। तुम पिछे देखो कि जोड़े वाहन ने बिल्कुल कीड़ी की रफ्तार के नाल जा रहे हैं, लाइटा जगा के जा रहे हैं। 8 बजे का टाइम हो चुका पर कि भी सूरज देवता के दर्शन नसीब नहीं हो रहे, सारे पासे धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया होया है। तो जिथे असी खड़े हाँ उत्थे इन्नी ठंड है सरबजोत की हाथ कंबदे ने। जिस तरह बारिश पैंदी है तरेल जिहड़ी धुंध है वो इस तरह डिग रही है कि कपड़िया के उपर फिर महसूस होंदा कि धुंध किन्नी है। सो मौसम विभाग की गल साफ है कि आने वाले दिनों च राहत मिल सकती है, तो राहत का असर यह होंगे कि जेकर बारिश होंगी है तो बारिश तो बाद धुंध हट जाती है तो उस तो बाद धुप निकलनी शुरू होंगी है। सो आने वाले दिनों के जिस तरह मौसम विभाग कह रहा है कि मीह पेगा, मीह तो बाद ठंड भी बदनी है पर उस तो बाद मौसम साफ होगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तुम सू तस्वीर लगातार विखाते रहो। मैं अपने सहयोगी का रुख करा मनोज राठी जो लाइव चंडीगढ़ तो सा मौजूद ने। मनोज जानना चाहवागे चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का की कुछ टेंपरेचर अज दर्ज किया गया है, कि कुछ निजात ठंड तो चंडीगढ़ वासियों को, कि चंडीगढ़ वासी ने अपने आप को इस हड़ चीरवी ठंड तो बचा रहे हैं। बिल्कुल सरबजोत, जिदा तुसी भी जिक्र किया क्योंकि हजे भी संघनी धुंद का कहर जरूर देखने मिल रहा है। कल ही साडे सीनियर अधिकारियों नाल गलबात हुई है, लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। हुण तक की जानकारी जिहड़ी हैगी है कि वैस्टर्न डिस्टरबेंस करके 31 पहली फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी यह 3 से 4 दिन मीह पैणगे क्योंकि वैस्टर्न डिस्टरबेंस हुण शुरू हो रहा है। जेकर मीह पैंदा है तो किते ना किते जिहड़ा फॉग है कोहरा है उस तो जरूर राहत मिलेगी लेकिन ठंड बधूगी जिहड़ी जानकारी दिती। हालांकि येलो अलर्ट जारी किया गया खास तौर पर जिहड़े नॉर्थन पार्ट्स ने, चाहे वह पठानकोट की गल कर लिए, गुरदासपुर की गल कर लिए, अमृतसर, तरन तारण, यह उस जिहड़ी बैल्ट है उत्थे संघनी धुंद जिहड़ी हैगी जिहड़ी देखी जा रही है। तो दूजे पासे उत्थे काफी मीह पैण की भी गल की गई है। चंडीगढ़ की तुसीं जिक्र कर रहे हो, चंडीगढ़ के नाल नाल जिन्ना ट्राई सिटी का एरिया है उत्थे हजे फिलहाल सवेरे काफी जिहड़ी धुंद है संघनी धुंद देखण नूं मिली सी लेकिन धीरे धीरे हुण यह जिहड़ा कोहरा है वह छट रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि अज दिन च धुप निकलेगी लेकिन कल यानी कि 31 जनवरी 1-2-3 इहदे च मीह पैण की गल की गई है और उस तो बाद ठंड च भी जिहड़ा है इजाफा होएगा क्योंकि टैंपरेचर जिहड़ा है वह देखा जा रहा है जिहड़ा दिता गया वह डाउन गया। हालांकि आने वाले दिनों च मौसम जरूर साफ होने वाला है, लोगों कोहरे तो राहत मिलेगी लेकिन जे आप गल करिए इस हफ्ते 4-5 दिन की एहदे विच जरूर ठंड की जिहड़ी सिचुएशन है वह बनी हुई है, ठंड की स्थिति बनी हुई है, मीह पएगा और काफी जगह से जिहड़ी मौसम विभाग वालों जानकारी दी गई है कि काफी थां ते यानी कि कई पंजाब के जिले के हरियाणा के जिले ने जिहदे विच काफी ज्यादा मीह पएगा जिहदे करके अलर्ट भी जारी किया गया क्योंकि वैस्टर्न डिस्टरबेंस करके यह मीह पएगा। तुसीं देखो कि जनवरी पूरा महीना मीह नहीं पिया, बहुत ज्यादा कोल्ड वेव की असी गल कर लिए
और ज्यादा संघनी धुंध जी हुई है, जिस करके काफी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग वालों, पुलिस वालों जी एडवाइजरी जारी की गई है। कई एक्सीडेंट सामने आए हैं क्योंकि लोगों को बार बार यही जरा एडवाइजरी दी जा रही है कि जेकर तुम गड्डिया चलानी है तो फॉग लाइट्स यूज करो, गड्डी की जी स्पीड लिमिट है वो तुम जरूर धीरे करो क्योंकि बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी चलते कितने ना कि काफी एक्सीडेंट सामने आए, काफी एक्सीडेंट सामने आए हैं और कई एक्सीडेंट करके कई नुकसान भी काफी ज्यादा हद तक होया। इस करके हालांकि हजे भी जैसी गल करिए नॉर्थन पार्ट्स ने उत्थे भी हजे संघनी धुंध का कहर देखने को मिल सकता है, नाल दे नाल मीह भी पेगा जिस करके आगे टेम्परेचर जिहड़ा है वह डाउन देखेगा और ठंड होर भी पै सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज राठी, मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो लाइव मौजूद थे। मौसम का मिजाज जताया इस विचाले मनोज शर्मा भी पटियाला तो साडे नाल जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोहां दा। ते आन वाले दिनों च ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है, इस विचाले मौसम विभाग के वालों येलो अलर्ट जारी किया है, आज तो लैके 4 फरवरी तक भारी मीह की जो चेतावनी अलर्ट जारी किया।